बादशाह इज बैक, ये सिर्फ हम नहीं बल्कि शाहरुख खान के फैंस कह रहे हैं। तो शाहरुख के फैंस का इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि उनकी फिल्म जवान का ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो हो गया है रिलीज। अपनी 2018 की आखिरी फिल्म जीरो के बाद अब शाहरुख हमें काफी फिल्में करते दिख रहे हैं, और जब शाहरुख कुछ करते हैं तो वो नेचुरली ग्रैंड हो जाता है। आपको बता दें कि शाहरुख की 3 बड़ी फिल्में आ रही हैं, और इनमें से एक है साउथ डायरेक्टर एट ली की जवान, जिसका हाल ही में टाइटल अनाउंस किया गया था और बताया गया था कि इस फिल्म में होंगे किंग खान। तब से फैंस है बहुत ही एक्साइटेड, और आज आ गया है जवान फिल्म का टाइटल टीजर, जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने आज ही रिलीज किया है, जिसमें फिल्म की ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट करते हुए शाहरुख का लुक भी कर दिया है रिवील। इस 1.5 मिनट के वीडियो में शाहरुख का लुक हो गया है रिवील, जिसमें पहले तो आप शाहरुख को पहचान ही नहीं पाते, अब पहचानेंगे भी कैसे जब शाहरुख उसमें है ब्रूस्ड, चेहरे और एक आंख पर पट्टी बांधे दिख रहे हैं वो। इसमें वॉकी टॉकी पर एक लेडी बोलती है गुड टू गो चीफ, जिस पर शाहरुख अपनी वो विकेट लाफ के साथ बोलते हैं रेडी। वेल, अब ये वीडियो देखने के बाद तो हम भी है रेडी शाहरुख और एटली की जवान देखने के लिए। आपको बता दे कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है गौरी खान ने, और इसमें शाहरुख के साथ साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा है, और साथ ही में सान्या मल्होत्रा भी। ये फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी गई है, जो कि है 2 जून 2023, यानी अगले साल। आज सुबह फैंस की धड़कनें तो तभी तेज हो गई थी जब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक पोस्ट डालकर लिखा था, आज 2 बजे हम अनाउंस कर रहे हैं हमारी सबसे एम्बिशियस मूवी। जवान के साथ साथ शाहरुख की फिल्म पठान, राजकुमार ईरानी की फिल्म डंकी भी आ रही है, और साथ ही में वो दिखेंगे सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 और आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में कैमियो करते हुए भी।